स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो लो जी साहब, एक बार फिर हम आ गए हैं रामू मद्रासी के पास। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा आपने, और देखा है तो फिर आप समझ गए हैं कि हम कहाँ हैं। हम वहीं उसी जगह हैं, शॉपिंग करके लौट रहे थे। इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी दाल की, पकौड़ियों की, और यहाँ भाई साहब तल रहे थे गर्मा गर्म। तो फिर हमसे रहा नहीं गया, मन ललचा ही गया। अभी तल ही रहे हैं, अभी तल ही बन रहा है, दिखाइए उधर। तो हम वहीं आए हैं फवारा चौराहा महावीर सर्कल पे, और यहाँ से ही वो सीधा रास्ता दरगाह की तरफ जाता है, ठीक है। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे ये कैसे तल रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। आप पकौड़ी दाल की बनाते हैं? इसमें क्या क्या डाल रखा है आपने इंग्रेडिएंट्स? मूंग दाल है, धनिया है, मिर्ची है, अदरक है, पुदीना है और गरम मसाले। अच्छा, तो आपका शुभ नाम बताएंगे? राजेश खंडेलवाल। राजेश जी खंडेलवाल। तो राजेश जी, आप कब से कब तक लगाते हैं? बड़ी महकती हुई खुशबू आए हैं, चारों चौराहे पे उड़ा रखी चारों तरफ। धन्यवाद आपका सर। मैं 4 बजे से 8:30 बजे तक लगाता हूँ। 4 बजे से 8:30 बजे तक लगाते हैं? तो ये सर्दियों का टाइम है या गर्मियों में भी कुछ लगाते हैं? गर्मियों में बर्फ का गोला लगाता हूँ। अच्छा, गर्मियों में बर्फ का गोला लगाते हैं? रबड़ी का बर्फ का गोला होता है। हाँ जी, कबूतरशाला गली के बाहर 90 साल हो गए हमें लगाते हैं। अच्छा, वो दूसरे कॉर्नर पे 90 साल हो गए तो वहीं पे लगाते हैं, कबूतरशाला गली के बाहर। अरे वाह, फिर तो आना ही पड़ेगा गर्मियों में भी आपके पास। तो आप और भी पकौड़ियाँ बना रखी हैं आपने? ये मिर्ची का है और ये आलू के हैं, मिर्ची के हैं, आलू और मिर्ची के। और दाल की पकौड़ी है, ग्रीन चटनी है, देखिए धनिया मिर्ची पुदीना अदरक एकदम प्योर ग्रीन प्योर चीज़ है। धनिया मिर्ची और अदरक, हाँ अदरक है, पुदीना है, बाकी सीक्रेट है मसाले। मसाले सीक्रेट है। चलिए, और किस तरह से आप क्या मतलब क्या हिसाब से खिलाते हैं प्लेट? 25 रुपये के 100 ग्राम है। 25 रुपये के 100 ग्राम है। 240 रुपये किलो। 240 रुपये किलो। और ये जो ये वाली पकौड़ी है, सेम रेट है, बहुत टेस्टी है। हाँ, ये आपको मतलब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं लगेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। इसमें बहुत सारी अजवाइन की मात्रा, बहुत सारी हिंग की मात्रा होती है इसके। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना अवॉइड करते हैं बेसन को। हाँ हाँ, पर इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तलावा एकदम ऐसा लगता है, बहुत अजवाइन है, बहुत सारा हिंग है, तो डाइजेस्ट कर देगी। अच्छा, नुकसान नहीं करेगी आपको ये बेसन का पकौड़ा। मतलब ऑयल ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? पालक ब्रांड का, मूँगफली का तेल। तो ये मतलब इतना ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया हो? पक्की बात है। दोनों चीज़ें हमारे यहाँ से, दाल भी ऐसी होती है जो मैदा नहीं है, मैदा कोई आइटम नहीं है। जैसे दाल का पकौड़ा है ये अपना डाइजेस्ट हो जाता है, तो मैदा की चीज़ होती है उसमें दिक्कत होती है। अच्छा, और सर्दियों में दाल के पकौड़े खाने का तो स्वाद ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। सर्दियों में तो अगर आपको खुशबू, हम इस चौराहे से निकल रहे थे, एकदम खुशबू सी आई। भाई साहब, अपनी दुकान का नाम क्या है, कुछ पता नाम? दाल पकौड़ी कॉर्नर। खंडेलवाल दाल पकौड़ी कॉर्नर। 35 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, यहाँ पर 20 साल हो गए। यहाँ पर 20 साल हो गए हैं, और वहाँ फवारे पे गर्मियों में जो लगाते हैं। साल हो गए इस काम। तो उस वक्त भी आपका खंडेलवाल दाल पकौड़ी कॉर्नर? खंडेलवाल गोला। पकौड़ियाँ पहले यही बनाती थी या जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया आपको? शुरू से ये लगा रहा है, दाल की पकौड़ी आलू की चीज़ पकौड़ी शुरू से 35 सालों से ये आइटम है क्या मजेदार लाल लाल पकौड़ियाँ। मतलब हमारे मसाले के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको लाल मिर्ची नहीं मिलेगी, टोटल गरम मसाले के ऊपर बेस करना भाई। लाल मिर्ची नुकसान करती है खाने में, इसमें लाल मिर्ची का कोई काम नहीं, पूरा गरम मसाले जो होता है जो शरीर के अंदर अपनी गर्माश देती है। भाई साहब, मेरे को तो आपके जो है ना इसकी खुशबू ने यहाँ खींच लिया। मैं यहाँ से निकल रहा था, हाँ, और एकदम ऐसी मदमस्त खुशबू आई ना कि मैं खाने के लिए। आप एक काम कीजिए, एक प्लेट हमारे लिए लगा लीजिए, गरम गरम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दीजिए ना, और दाल पकौड़ी चटनी बढ़िया डाल दीजिए। अच्छा, ये केवल हरी चटनी रखते हैं या सिर्फ हरी चटनी? मीठी चटनी वगैरह कुछ नहीं होती? एक तो इसके सर स्पाइसी की राह खाते हैं, मतलब स्पाइसी खाने की, मीठी चटनी नहीं, स्पाइसी फूड देते हैं। मतलब स्पाइसी है वाकई में, मैं ऐसा तो नहीं है ये जाऊँगा। नहीं, खाने लायक स्पाइसी। चलिए, आपने खाई भैया पकौड़ी, आपको कैसी लगी? क्या बात है। तो भैया ने दरगाह बाजार छोड़ा, पर दरगाह बाजार एक कस्बे से यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छी टेस्टी होती है, बहुत अच्छा है।
जी जी शुरू से यही हम स्वाद खींच लाता है। तीन चार साल से आप लगातार लगातार पहले नेस्ले के लगाते थे ये। अच्छा ये लगाने लग गए तो यहाँ से डेली चल रहा है। बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया, मैंने भी एक ही बार टेस्ट किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। टेस्टी लगे और सबसे बड़ी बात तो तेल वगैरह जो उनका मेटल है ना वो साफ सुथरा है। ये बहुत अच्छा मेटल, अच्छा है, खाना भी स्वाद है, अच्छा भी है, चटनी भी अच्छा है, बेहतरीन चीज़। एक बार खा लो तो बार बार आना पड़ेगा, है ना भैया। अच्छा सर एक बार बताएं, इसमें लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं क्या आप? लहसुन प्याज ही डालता हूँ, ना खाता हूँ ना खिलाता हूँ। ना खाते हो ना खिलाते हो, मतलब आप प्याज की पकौड़ी कोई डिमांड करे तो आप मना कर देंगे? बनाएंगे भी नहीं, बनाएंगे भी नहीं। हमारे घर में यूज़ करते लहसुन प्याज, हाँ मैं डालता हूँ ना खाता हूँ। आप बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से खिलाते हैं। कोई जैसे और तो सब्जियाँ डाल के ही बनाते हैं, आलू वगैरह डालते हैं या कुछ? ये प्लेन सिर्फ दाल की पकौड़ी, इसके अंदर बेसन भी टच नहीं होता है। ओके, बाजार के अंदर हाँ थोड़ा सा कुरकुरा टेस्ट देने के लिए चटनी के अंदर पालक मिक्स करते हैं, पर अपने पास ऐसा कोई काम नहीं। जो धनिया मिर्ची की चटनी चाहे 200 रुपए को धनिया होगा तो भी धनिया की चटनी मिलेगी आपको। और चटनी बहुत टेस्टी बनाई है। आदत है कि जैसे बहुत ज्यादा महंगा हो गया 200-300 रुपए हो गया थोड़ी क्वांटिटी कम कर देंगे, पर देंगे प्योर चीज जी। देखो जी यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है और मैं गलत नहीं कहूँगा ये रिकमेंडेड प्लेस है, नॉट पेड प्रमोशन। जो अच्छा लगेगा वो दिखाएंगे, जो बढ़िया लगेगा वो खाएंगे भी और आपको दिखा के बताएंगे। ये देखिए आपका पूरा थाल भर के अभी इन्होंने ताजा पकौड़ी निकाली है और ये अभी खाली हो जाएगी। काफी टाइम से आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया होगा आपका? 2 महीने। 2 महीने से लगातार आ रहे हैं। कैसा लगता है आपको टेस्ट? अच्छा है, टेस्टी है। सर जी मेरे लिए मिक्स पकौड़े बना दीजिएगा, एक प्लेट। कितने ग्राम है ये? 30 के ग्राम है। अच्छा 125 ग्राम। ठीक है सर, चटनी डाल दीजिए। बिल्कुल चटनी बढ़िया से डाल दीजिए, ऊपर ऊपर डालो, थोड़ी बहुत डाल दीजिए ऊपर, थोड़ी बहुत साइड। थैंक यू सर। देखो जी लाजवाब लाल लाल पकौड़े, ऊपर हरी हरी चटनी, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत यम्मी लग रहे हैं, खुशबू तो इनकी लाजवाब है। मैम एक बार टेस्ट करके बताइए प्लीज। हाँ जी श्योर। आप कब से ले रही हैं मैम पकौड़े? सेकंड टाइम आए, खुशबू खींच लाई मतलब आपको। बिल्कुल लाल मिर्च नहीं है, बिल्कुल मिर्ची नहीं लग रही, पर चटनी में मिर्ची अच्छी वाली है। हाँ। चटनी में चटाकेदार मिर्ची, पटाकेदार मिर्ची। तो अब शुरुआत करते हैं हम भी और मैं शुरुआत करूंगा सबसे खतरनाक मिर्ची के पकौड़े से। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत जबरदस्त है, गरम मसाले डाले हैं इन्होंने, चटनी तो वाकई में चटाकेदार है। दादा एक बार बताओ इसमें खटाई के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया है? अमचूर, अमचूर इस्तेमाल किया है इन्होंने, मतलब टाटरी वगैरह तो यूज नहीं करते ना, मोस्टली वेंडर्स जो है टाटरी डाल देते हैं। दही अवेलेबल तो दही डालते हैं, अमचूर डालते हैं। अच्छा आज अमचूर डाला, दही की जगह अमचूर डाल दिया। अमचूर दही अवेलेबल होता तो दही डालते हैं। अच्छा मिर्ची का कैसे पता लगता है तीखी होगी या नहीं होगी? अच्छा देखते लेके आते पता, एक्सपीरियंस हो गया,
सिर्फ देख के बता दें मिर्ची इसमें है कि नहीं है, तीखा पता। कल वैसे तो हम लोग कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, डार्क कलर और लाइट कलर। तो चलिए अब आपसे खाने के बाद में मिलते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा रहा। खाया आलू का तो हम तो एक ही शब्द कहेंगे, लाजवाब। और ये देखो आप दूसरी कढ़ाई उतरने को तैयार हो गए। ये खाली हो गई, दूसरी तीसरी कढ़ाई निकल रही है और एक बार फिर कस्टमर्स की भीड़ लगातार चले जा रही है। आप खा लेते हो? मिर्ची नहीं लगती है? पक्का टेस्टी लगते हैं? टेस्टी लगते हैं आपको ये? भाई साहब एक नंबर लाजवाब बनाया आपने, बहुत बढ़िया टेस्ट था। छोटी पकौड़ी दे बेटा, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, अब हो गई है रात, घर जाने का समय आ गया है। तो मैडम, तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए जिससे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स नए नए देखने को मिले और नई नई जगह देखने को मिले। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।